चलें इसका एसएमआर से चेक करें। ऐसे भी अच्छा लग रहा है। चलें बस चलें अब क्या करें। ये चार्मिन टेक्सचर ऐसा तो अंधेरा छा रहा हो जैसे। अब जितने भी रिन्यू टेक्सचर किए हैं आप लोग पसंद कर रहे हो, शुक्रिया आप लोगों का, मुझे खुद खुशी हो रही है। चलें जी अच्छा चलेंगे, देखें जी एक और चीज़ दिखाते हैं। पहले मैं इसका देखूंगा, इस टाइम रिज़ल्ट क्लियर है फिर इसकी वीडियो बनाऊंगी। ये भी चारकोल टेक्सचर है लेकिन इसमें ज़ीरो साइज स्टोन ऐड है। कितने नाइस लग रहे हैं अपने टेक्सचर की तरीफ खुद ही करती हूँ आप लोग भी करते हैं वैसे। ये देखें क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वाइट टेक्सचर थोड़ा तोड़ लें, वाइट सीमेंट है। इसके बाद आते इसमें यह आपकी बात याद आ जाती है, आपने कहा था इसका बताना है ट्यूटोरियल, मैंने कहा था शेप्स मेकिंग करूँगी मगर नहीं की अभी तक। इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला ना कल कर दूँगी अगर टाइम हुआ, ठीक है। अच्छा नताशा गिलानी उस दिन उनका कमेंट्स आया था, कह रही थी बहुत देर बाद कमेंट्स किया है तो बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे भी आपको याद करती होती हूँ। एक और थी क्या उनका नाम था, किड्स किचन शायद उनका नाम है, कह रही थी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ और कह रही थी मैं रात को ख्वाब में भी आपको देखती हूँ और आपके मैं आपकी छत पर आके क्रम्बलिंग कर रही थी आपके साथ, तो अच्छा लगा। आप चलिए किसी दिन इंशाल्लाह हकीकत में भी आप आएँ फिर मिलके क्रम्बलिंग करेंगे। एक दौलत सरूज उनका भी थैंक यू, जवेरिया आपका बहुत शुक्रिया, जैनब आपका थैंक यू सो मच, निम्राली आपका शुक्रिया, शबाना तहरीम। अच्छा कल कौन उनका क्या नाम था कह रही थी आपके टेक्सचर हार्ड हो गए हुए हैं, तो मेरे टेक्सचर कुछ हार्ड हैं वो जो मैंने काफ़ी देर से क्रम्बल नहीं किया लेकिन अब मैं उनको रिन्यू कर रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र अच्छे हो रहे हैं टेक्सचर।
एक और उर्वा उर्वा शायद उर्वा सिंह कैसे उनका नाम था, वो कह रही थी आपसे बहुत नाराज़ हूँ, उन्होंने मुझे इतनी दफ़ा कमेंट्स किया, मैंने उनका कोई रिप्लाई नहीं किया ना उनकी रिक्वेस्ट पूरी की, तो अभी पता नहीं उनका नाम उल्टा ले रही हूँ कि सही ले रही हूँ। तो आप मुझे बताएं आपने रिक्वेस्ट क्या की थी, मैं मुझे याद नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। बातों बातों में अच्छा कलर इतना चेंज आ रहा है इसमें, पता है शायद मौसम की वजह से आ रहा है, रेड रेड सा आ रहा है, तो आप लोग ये ना सोचिए फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर नहीं मैं लगाती बिल्कुल भी, कभी कभी होगी सी रेड भी लगा लेती हूँ जिसका रंग ज़्यादा ही ख़राब हुआ हो, तो वैसे आम रूटीन में नहीं कभी भी फ़िल्टर लगाया, और ये मौसम की वजह से इर्द गिर्द की अब मैं वीडियो भी नहीं बना सकती क्योंकि रेड आ रहा है, वीडियो भी फिर ख़राब होगी। और बुशरा ये क्रम्बलिंग आपके लिए करती हूँ, राबिया आपके लिए, बुशरा आपके लिए, उनको भी मेरा क्रम्बलिंग स्टाइल पसंद है, थैंक यू सो मच। असल में ना मैं पिछले दिनों काफ़ी डिसपॉइंट हुई थी आप लोगों के, आपके नहीं मतलब लोगों के कमेंट्स से, तो फिर मैं सोची अपना स्टाइल चेंज करती हूँ, वैसे भी मैं जो उनका स्टाइल पसंद है उनका हैप्पी लाइफ लोग का बहुत पसंद है वैसे, तो मैं सोची चलो उस तरीके से क्रम्बलिंग करती हूँ, तो इसलिए मैंने वो किया था। और साथ साथ वो कहा बढ़िया जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी ना मुझे वो याद आ रही, वो है नहीं कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया, तो जब बंदा ज़्यादा किसी को देखे ना तो बंदा कॉपी भी करता है कि चलो मैं वैसे करके देखती हूँ। मैं पहले ना क्रम्बलिंग हब्बस से मारा ना उनकी मैंने इतनी वीडियोज़ देखती थी तो उनको मुझे लगता था मैं उनको कॉपी करने लग गई खुद से ही, तो लेकिन उनके तो इतनी खामोशी होती है, उनके तो क्रम्बलिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है, उनके तो थोड़ा सा भी शोर नहीं होता, तो उनकी क्रम्बलिंग भी उस हिसाब से सही रह जाती है। हमारे यहाँ शोर शराबा और जितनी बातें की हैं क्रम्बलिंग की आवाज़ नहीं आई होगी, अब थोड़ी क्रम्बलिंग खामोशी में करते हैं। सुमैया बाप के लिए ना मैं कल इसकी शेप्स मेकिंग करूँगी इंशाल्लाह। कुकिंग विद अम्बरीना कह रही थी कि मैं जब भी आपको कमेंट्स करने लगती थी कि मतलब वो दुखी हो जाती थी, मतलब उनको रोना आ जाता था, क्योंकि वो मुझे कहती हैं ना कि उनके उन्हें उनकी अम्मी जैसे हाथ लगते हैं मेरे, तो मुझे खुद उनके लिए फील हुआ कि इतनी देर का उनका कमेंट्स मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो मैं खुद उनको ना बहुत बहुत मिस करती हूँ, बेबी को प्यार देती हैं, बहुत शुक्रिया आपका हिना शर्मा, आपका शुक्रिया हिना शर्मा, तो मेरी ओल्ड वीडियो भी देखती हैं और न्यू भी, और कहती हैं कि आपकी क्रम्बलिंग बहुत अच्छी है, सुंदर मुंदर हैंड के हाथ कहती हैं, थैंक यू। और सना खान आपको भी दो तीन दिन व्लॉग में नहीं मैं देख रही, आप कहाँ हैं, वो कहती थी मेरी गोलू मोलू शहजादी और इस तरह के अलकाबात देती हैं मुझे, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या हाँ रुबाबिया मेरी स्टूडेंट ने आपका नाम याद कर कहती और रुबाबिया, तो रुबाबिया आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, आप भी मेरी फेवरेट हैं, देख लें ज़रा हमारा तो तल्लुक है, मेरी स्टूडेंट का भी आप लोगों के साथ इतना अच्छा तल्लुक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इस तल्लुक को कभी नज़र ना लगाए किसी की मैंने एक दो दिन पहले इतनी सैड होके बैठी हुई थी तो मुझसे सब पूछे थे क्या हुआ, मैंने कहा मेरा चैनल फ्लॉप हो गया, मुझे लगता अब नहीं मैं कर सकती ये काम, किसी को मैं पसंद नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं तोड़ ख़त्म होनी चाहिए, बस हिम्मत बंदा रखे अल्लाह ताला हौसला रखे तो अल्लाह ताला उस चीज़ को कायम रखता है, जैसा सोचेंगे वैसे, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र आप लोगों के प्यार ने इतनी मुझे हिम्मत दी है अल्लाह के फजल से, मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह सही हो रहा है पहले से, क्योंकि टेक्स्चर सही हो रहे हैं, मैं सही हो रही हूँ, पसंद आए हैं सारे, थैंक यू। अच्छा मैं अब बताऊँ आपको यहाँ कितने टेक्सचर पड़े हैं वाइट वाले, ये देखें
एक मेरा ये स्टोनी टेक्सचर सबसे वो आप लोगों को पता है, इसकी काफ़ी दम शेप्स मेकिंग की है। ये वो जिम चाक स्टोनी टेक्सचर है या ग्रीटी कह सकते हैं। ये वाइट सीमट है, ये सैंड और वाइट सीमट, और अब तो चौक भी अंदर ऐड हो गया है। तो उस दिन से मैंने इसकी देखे अब शेप्स मेकिंग ना कुछ भी नहीं किया, दिखाना था आप लोगों को। चले अब ये भी न्यू टेक्सचर है, ये दिखाया था आप लोगों को, एक दफ़ा क्रम्बलिंग कर चुकी हूँ इसकी। वाइट टेक्सचर वो जो मुझे गिफ्ट मिला था मेरे भतीजों की तरफ से, वो SH4SMR का वाइट टेक्सचर है। एक इधर वाइट टेक्सचर पड़ा हुआ है, ये देखें ये। चलो इसकी भी क्रम्बलिंग करते हैं थोड़ी सी। अब देखें कितने ज़्यादा माशाल्लाह वाइट टेक्सचर है मेरे पास इतने सारे, और अब मेरे टेक्सचर आप ख़ुद बताएं कि ये एक जैसे नहीं है। असल में ब्राउन टेक्सचर ज़्यादा है उनके, फिर इसलिए कलर भी वो सेम है, तो उनको थोड़ा मैं डिफरेंट कर रही हूँ। तो असल में मैं मुझे भी यूँ फील होता है कि मैं ज़्यादातर उधर ही रह जाती हूँ शुरू शुरू में, इन टेक्सचर तक कम आती हूँ, तो इसलिए शायद आप लोगों को फील होता है। तो अब मैं इन सारे टेक्सचर क्रम्बल करूँगी व्लॉग में, इतना लंबा व्लॉग हो गया है। चलें ठीक है, मैं बस करती हूँ, इसके हम जंक्स निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। ये देखें सही वाले जंक्स निकल रहे हैं बड़े बड़े से। अच्छा ये जो पूरा एरिया ना, ये मैंने वाइट टेक्सचर को दे दिया हुआ है, सारा सेक्शन वाइट का। तो अगर एक थोड़ा सा उड़ उड़ के पड़ेंगे भी तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन इनके ना वाइट कलर एक है, कोई मसला नहीं होना। अंदर से टेक्सचर डिफरेंट है, ये देखो कितना प्यारा चंक्स निकला है। ये देख के मुझे SH4 की याद आ गई, वाकई उनके ऐसे निकलते थे बड़े बड़े चंक्स, बड़े प्यारे लगते थे। और वो कहते थे मुझे ऐसे सीधे सीधे नहीं अच्छे लगते, ऐसे टेढ़े मेढ़े उनको ना अक्सर पसंद आते थे। ये देखें इसको, लेकिन हम रखेंगे स्लैब पर क्योंकि बारिश का कोई नहीं पता, इसने उड़ उड़ के जाना है एक महल्ले से दूसरे, दूसरे से तीसरे। चले इसकी मैं क्रम्बलिंग करती हूँ, ठीक है। ये SH4 व्लॉग उनके लिए क्रम्बलिंग, और मेरी सारी सब्सक्राइबर के लिए। अजानें भी मुझे लगता होने लगी हैं। चलो बस ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे हमेशा। सच्ची दिल करता होता है क्रम्बलिंग करते जाए करते जाए। चलें फिर मिलेंगे, बस आज मैंने स्मैशिंग वीडियो नहीं बनाई, बना रहा लूँ कहीं। चलें ठीक है, ओके फिर मिलेंगे, अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।